सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को देखने आए हो तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आपने इस टॉपिक के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी मुझसे पहले भी। तो उन वीडियोस में आपको हो सकता है वो चीज़ें ना सुनने को मिली है जो इस वीडियो में सुनने को मिल जाए, और इस वीडियो को देखने के बाद फाइनली आप लोग लास्ट में एक ऐसा रिजल्ट लेके जाने वाले हो जिस रिजल्ट से आप लोग अपने चैनल पे ना तो कोई कॉपरेट खाने वाले हो और आपके पास बहुत बड़ी ऑडियंस भी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग बहुत बड़े पैमाने पे ऑडियंस को अपने पास रख पाओगे। ठीक है, तो किस तरीके से होगा वो, ठीक है क्या तरीका है? तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, जब भी कोई भी इंसान कॉपरेट कंटेंट के ऊपर काम करता है ना, तो उसको प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए काम करने का। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में और आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास मानो आप जितनी वीडियो अपलोड करोगे ना हर में कॉपीराइट खा के बैठ जाओगे। ठीक है, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊंगा ना, ये देखो एक तो रिस्क तो इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि मैं भी आपको फुल्ली ऐसा लीगल तरीका बता दूंगा जिससे कि आपको कॉपीराइट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मैं लेकिन आपको जो तरीका बताऊंगा ना, इस तरीके से आप लोग अच्छी खासी ऑडियंस गेन कर सकते हो। ठीक है, आप लोग अपने चैनल पर 10 से 20 हज़ार सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो, 70-70, 1-1 लाख लोग सब्सक्राइबर लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, ड्रामा शोज को अपलोड करके। दोस्तों मैंने रिसेंटली एक चैनल खोला था, ठीक है, उस पर मैंने ड्रामा शोज अपलोड किए थे एंड उस पर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, एंड उसे जब मैंने मार्केट में सेल किया तो मेरा 18,000 में सेल हो गया था। तो आप देख सकते हो 2 दिन में ऐसी वीडियो जिसने मेरे को 10,000 सब्सक्राइबर दिया, और उन्हीं 10,000 सब्सक्राइबर से मेरे चैनल पे मैंने उस चैनल को सेल करके 18,000 की अर्निंग जनरेट कर ली। तो ऐसा काम आप लोग कर सकते हो, लेकिन आपने इससे पहले बहुत सारी वीडियो देख ली लेकिन उनमें आपको कोई भी तरीका नहीं पता चला। ठीक है, लेकिन ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद इसके ऊपर काम किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं बिना काम किए आपको इस चीज के बारे में बता दूंगा, मैं खुद इस चीज के ऊपर प्रॉपरली तरीके से काम किया हुआ है तभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। और इस काम को आप लोग जो तरीका बताऊंगा, और इसमें सबसे मेन होता है ना, आपने वीडियो तो एडिट कर ली, ठीक है, कौन सी वीडियो एडिट करनी है, कैसे एडिट करनी है, ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मेन बात तो होती है ना कि हमें उसमें टैग्स कैसे लगाने हैं, हमें अपनी वीडियो वायरल कैसे करनी है। अब वीडियो तो हमारी अपलोड हो गई, कॉपीराइट भी नहीं आया, लेकिन मेन मुद्दा हो जाता है क्या कि हम लोग अब उसे यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो उस पर व्यूज़ कैसे इंक्रीज होंगे, कैसे लाखों में हम भी व्यूज़ लेंगे, कैसे हमारे भी हज़ारों में सब्सक्राइबर्स एक दिन में 2 से 3 घंटे में बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, ये एक चैनल है जिसका नाम है म्यूजिकल प्लेस, एंड इसने 7 वीडियोस के अंदर में 2.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 2.36 हुआ है, लेकिन हो जाएगा 2.5 लाख। अब देखो, 1 घंटे पहले इसने कुंडली भागी की वीडियो डाली है जिसपे कि 40,000 व्यूज़ आ चुके हैं। ठीक है, 39,000 वो भी होने वाले होंगे, 40,000 भी। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग देखो उसके नीचे वाला चैनल है, ठीक है, इसने 7 वीडियो में 101 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए, एंड ये क्या अपलोड कर रहा है, ड्रामा शोज अपलोड कर रहा है कुंडली भाग्य के। ठीक है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर अभी और भी आपको दिखा देता हूँ चैनल, बहुत सारे चैनल सब लेवल है। यहाँ पर जो ऑफिशियल चैनल है वो तो बहुत कम ही ऊपर आ रहा है, सबसे ज़्यादा और जो डुप्लीकेट चैनल वो आ रहा है। अब ये देखो, इसने 9 वीडियो में 685 सब्सक्राइबर्स कर लिए, 700 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। एंड अबाउट सेक्शन में जाकर देखो तो ये आज ही चैनल खुला है, 16 फरवरी 2023। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे दोस्तों इसने 9 वीडियो में कितने 700 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। अब ये देखो, यहाँ पर 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, अब यहाँ पे आप लोग इस चैनल को देखो, इसने 10 वीडियो के अंदर ही 1700 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, और ये चैनल खुला है 11 फरवरी को, आज से 4 से 5 दिन पहले। ठीक है, एंड इसने 4-5 दिन के अंदर ही यहाँ पर 1700 सब्सक्राइबर्स कर लिए, 1800 होने वाले इसके 10 वीडियो के अंदर सिर्फ। ठीक है, तो आप लोगों को इसी कंटेंट के ऊपर काम करना है, और मैं आपको रियल और जेन्युइन तरीका बताऊंगा आपको इसके ऊपर काम करने का, जिसमें आप लोग काम कर सकते हो और आप लोग अच्छे खास सब्सक्राइबर्स गेन करके उसे मार्केट में बेच सकते हो, या फिर आप उसमें कोई नया काम भी शुरू कर सकते हो उन सब्सक्राइबर्स को लेके। यहाँ पे आप देखो बहुत सारे चैनल सब लेवल है जो कि इस तरह कंटेंट डालते हैं, और दोस्तों ये कंटेंट वायरल कंटेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो डालोगे और वायरल नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसा जो टैग दूंगा, एक ऐसा टाइटल दूंगा और ऐसा डिस्क्रिप्शन दूंगा जिससे आप लोग अपनी वीडियोस को बहुत ही चंद सेकंडों में वायरल कर सकते हो। ये देखो, 16 वीडियो में 15 फरवरी को चैनल खोला गया, 16 वीडियो में 2,500 सब्सक्राइबर्स, 15 फरवरी मतलब कल खोला गया, देख सकते हो। और यहाँ पे एक कमाल की चीज़ देखो आप लोग, कि यहाँ पर दूसरे जो थर्ड पार्टी चैनल्स हैं उनकी वीडियोस आ रही है, ओरिजिनल चैनल की वीडियोस तो दोस्तों नीचे आ रही है। ठीक है, इन वीडियोस के बाद में, तो आप लोग कैसे अपनी वीडियोस को रैंक करवा सकते हो, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। बेशक कॉपीराइट आए या ना आए, लेकिन वीडियो जो है रैंक करवाना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको वीडियो कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये एक चैनल है, ये रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालता है, इनकी वीडियोस डाउनलोड करनी है। ठीक है, इसकी वीडियोस भी इसी तरीके की होती है, और इसी की वीडियोस में आपको एडिट करके अपलोड करना बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है, सबसे पहले लिंक को कॉपी कर लेना, लिंक कॉपी करने के बाद आप डाउनलोड आराम से कर सकते हो। ठीक है, एंड इस चैनल को भी आप देख सकते हो। ठीक है, इस चैनल का नाम भी अभी आपने देख लिया, शेयर पर क्लिक करके आप लिंक को कॉपी कर लेना। लिंक कॉपी करने के बाद आप लोग क्या करना है, आप इसकी वीडियोस को डाउनलोड कर लेना। अब वीडियो डाउनलोड करने के बाद क्या प्रोसेस है, वीडियो डाउनलोड कर लेने के बाद आप लोगों को अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करना है, 16:9 रेशो में जाना है, मीडिया में जाना है, और मीडिया में जाने के बाद
आप लोगों को एक ब्लैक लेयर सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ब्लैक लेयर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको अपने वीडियो के हिसाब से इसको बड़ा कर लेना है और आपको मीडिया में जाके वही वीडियो इंसर्ट कर लेनी है। इसको फुल करने के बाद आपको इसमें नीचे आना है और एक ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, तो उसको आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आपकी जो वीडियो की ऑडियो होगी वो नीचे आ जाएगी और ऑडियो पर क्लिक करके आप इसको 200 और लेफ्ट को 100 और इस पर 100 करके पिच कर दोगे 1%, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना, 1% ही करना है। आप उसके बाद क्या करोगे, आप लोग इसको क्या करोगे, वीडियो के ऊपर क्लिक करना है आपको। वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इसमें बीच में 2 से 3 कट लगा देने, 1 कट 2 कट 3 कट 4 कट, आप इस तरीके से 2 से 3 4 कट लगा दोगे, ठीक है। कट लगाने के बाद आप लोग क्या करोगे, अब यहाँ पे चाहो तो आप अपनी लास्ट में वॉइस ओवर दे सकते हो कि गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी आप अगला एपिसोड देख पाओगे, तभी आपका आगे एपिसोड चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी इसमें अपनी वॉइस ओवर दे सकते हो। इसने तो एआई की मदद ली है, एआई की मदद से इसने अपने इसमें सब्सक्राइब करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसमें अपनी वॉइस ओवर दे सकते हो, अपनी वॉइस ओवर के हिसाब से इसे एडिट कर सकते हो, एंड में, स्टार्टिंग में नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब आप सिंपली इस वीडियो को कर लोगे एक्सपोर्ट, ठीक है। अब एक्सपोर्ट करने के बाद कैसे आपको अपलोड करना है, तो दोस्तों ये वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए। तो दोस्तों जब तक वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो अगर अब तक आपने नहीं किया। उसका दोस्तों आपको सिंपली अपने YouTube पे आ जाना है, ठीक है। मैं YouTube पे आ चुका हूं, अपलोड वीडियो पे क्लिक कर लेना है और उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली चीज़ है, ठीक है, टाइटल कैसे डालना है आपको। तो आप लोग टाइटल पे एक बार फोकस करो, मेरे मैं क्या टाइटल डाल रहा हूँ, तो आपको डालना है कुंडली भाग्य टुडे फुल एपिसोड, ठीक है। एपिसोड टुडे के आगे फुल लगा देना है, फुल एपिसोड, ठीक है। उसके बाद आपको डेट डालनी है, आज से एक दिन आगे की डेट डालनी है, आज की डेट नहीं डालनी। जैसे आज 16 फरवरी है तो 17 फरवरी की आपको डेट डाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 17 फरवरी एंड उसके बाद आपको डाल देना है यहाँ पर 2023, ठीक है। ये आपको स्टार्टिंग में रखना है। उसके बाद आपको एक डबल स्लैश लगा लेना है यहाँ पे अपने टाइटल के आगे, ताकि ये आपका दूसरा टाइटल बने अब, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है, सॉरी यहाँ पे आपको डालना है कि कुंडली भाग्य, ठीक है, सिर्फ कुंडली भाग्य आपको डाल देना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुंडली भाग्य। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर जो है डबल स्लैश लगा देना है। यहाँ पे डबल स्लैश लगाने के बाद इसको गैप कर देता हूँ मैं बीच में भाग्य के आगे, और अब यहाँ पे आपको लिखना है न्यू प्रोमो। क्या लिखना है दोस्तों आपको, न्यू प्रोमो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू प्रोमो। तो ये टाइटल बहुत ज़्यादा आपके लिए काम करने वाली है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके इसको नोटपैड में नोट कर लेना, ठीक है। ये टाइटल आपको बहुत काम आने वाला है, इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों को अपने जो डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन है उसमें चले जाना है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में इसे सेलेक्ट कर लेना है, कुंडली भाग्य टुडे फुल एपिसोड। उसके नीचे आपको बहुत सारे टैग्स लगाने, जैसे कुंडली भाग्य टुडे फुल एपिसोड, कुंडली भाग्य आज का एपिसोड, कुंडली भाग्य, कुंडली भाग्य से रिलेटेड जितने भी 8 से 10 टैग्स हैं ना, वो आपको यहाँ पे लगाने हैं। और हैशटैग में कुंडली भाग्य टुडे फुल एपिसोड, ये हैशटैग 4 से 5 हैशटैग आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कर देना है इसको अपलोड। तो ये वीडियो मैं यहाँ से अपलोड कर दूँ, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन यही नहीं चूज़ करनी है, ठीक है। आपको सिंपली से अपलोड करना है, आपके चैनल पे कोई लोगो कोई थंबनेल वगैरह मत लगाना है, सॉरी टाइटल वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर जब तक ये मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करना है, वीडियो अपलोड होने के बाद आपको अपने स्टूडियो में आना है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर कॉपीराइट नहीं आया मेरे को, देख सकते हो आपके सामने ही है, लाइव प्रूफ है, यहाँ पर वीडियो अनलिस्टेड है और कोई रेस्ट्रिक्शन किसी जगह पर कोई कॉपीराइट नहीं है। वीडियो का एडिट वाले सेक्शन में आना है, एक थंबनेल आपको लगा लेना है, आप चाहो तो गैलरी से लगा सकते हो या फिर आप वीडियो के अंदर ही जो थंबनेल्स होते हैं, जो 3 थंबनेल दिए होते हैं उनमें से कोई एक थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इसे जो है सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर डायरेक्ट आपको पब्लिक करना है। पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे चले जाना है टैग्स वाले ऑप्शन में, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको टैग लगाना है, क्या टैग लगाना है, जो लोग सर्च करते हो, जैसे कि आपको पता होगी लोग क्या सर्च कर सकते हैं, जैसे कि कुंडली भाग्य टुडे फुल एपिसोड, कुंडली भाग्य आज का एपिसोड, कुंडली भाग्य में आज क्या होगा, मतलब कुंडली भाग्य से रिलेटेड ही आपको टैग्स लगाने हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए सोच लें अपने माइंड में कि आप यूट्यूब पर कुंडली भाग्य देखने के लिए क्या क्या सर्च कर सकते हो, वही सारे टैग्स आपको लगाने हैं। उसके बाद आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और आपको वीडियो 1 से 2 बजे के बीच डालनी है, क्योंकि ये वीडियोज़ जो होती है ना वो 4 बजे के बाद से वायरल होने स्टार्ट होती है, और जब तक ये ड्रामा शो यूट्यूब पर जो टीवी चैनल्स पर आता नहीं है तब तक वीडियो वायरल होने के चांसेस पूरे रहते हैं, ठीक है। तो तब तक आप लोगों की वीडियो वायरल हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको 1 से 2 बजे के वीडियो बीच में अपलोड करनी है या फिर आप सुबह के 6 से 7 बजे के बीच में अपलोड करना। तो दोस्तों इस तरीके से आप ड्रामा शोज़ को यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो और वहाँ से अच्छी खासी ऑडियंस को गेन कर सकते हो। और दोस्तों आने वाले टाइम में आपको कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर इतना ज़्यादा नॉलेज मैं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर ही काम करता हूँ, मूवीज़ वगैरह अपलोड करता हूँ, तो आपको पूरा नॉलेज दूंगा जिससे आप लोग यूट्यूब से पैसा कमा पाओगे। सो गाइज अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो घंटा है ना उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। सो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।